शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदां जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद् भगवद् गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा कि कुरुक्षेत्र के रणमैदान पर इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दूसरे श्लोक से संजय ने वर्णन आरंभ किया कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास पहुंचा है और वहां जाकर के दुर्योधन ने सेनाओं का वर्णन शुरू किया। सबसे पहले दुर्योधन ने प्रयत्न किया द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने का, उकसाने का, क्योंकि दुर्योधन को पता था द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं और वो भली भांति जानते हैं कि पांडव सही हैं, धार्मिक हैं, नीतिमान हैं। यदि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो ठीक तरह से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि उनकी ये भावना जो है पांडवों के प्रति वो निर्मूल हो जानी चाहिए। इस प्रयत्न में
पूरे द्रोणाचार्य के जीवन के जितनी वेदनाएं थी, विशेष करके द्रुपद के साथ, दृष्टद्युम्न के साथ, उन सभी का स्मरण करा के उन्हें क्रोधित करने का प्रयत्न दुर्योधन कर रहा है। पांडव पक्ष के महारथियों का वर्णन किया और फिर सोचा दुर्योधन ने कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सेना के एक महत्व के व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास विरोधी सेना की प्रशंसा कर रहा हूं, ये तो योग्य नहीं है। हमारी सेना में कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे कल। भवान द्रोणाचार्य, भीष्म कर्णश्च, कर्ण के चरित्र के ऊपर कुछ बात चल रही थी और वहीं पर हमने कल के दूसरे दिन के सत्र को विराम दिया। कृपश्च कृपाचार्य, कृपाचार्य द्रोण की पत्नी कृपी के भाई हैं। कृपाचार्य चिरंजीवी माने गए हैं। भारतीय संस्कृति में सात चिरंजीवियों को प्रणाम किया है, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। पद्म पुराण में ये श्लोक है। इनमें से दो व्यक्ति तो यहां महाभारत के रण मैदान में, अश्वत्थामा है, बलि राजा तो समय में पहले हो गया, व्यास यहां पर उपस्थित है, हनुमान जी अर्जुन के रजखी ध्वजा पर विराजमान है। तो अश्वत्थामा, व्यास, हनुमांश, विभीषण, त्रेतायुग का, कृपाचार्य और महापुरुषों ने एक आठवां नाम भी इसके साथ जोड़ा है, मार्कंडेय मुनि, ये चिरंजीवी। अब देखिए शब्दों पर ध्यान दे, पुस्तक आपके हाथ में है। दुर्योधन कह रहा है और संजय जो वर्णन कर रहा है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। भवान आप, क्योंकि द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, इसमें दुर्योधन की मनोवृत्ति कितनी प्रकट होती है देखिए आप। भीष्म कह दिए, ठीक है, द्रोण और भीष्म दोनों आदरणीय है, इसलिए द्वंद्व समास करके एक साथ च रखा तो दोनों साथ में आ गए, न कोई ऊपर है न कोई नीचे है। भवान भीष्मश्च कर्ण को रखा, दुर्योधन के लिए कर्ण महत्वपूर्ण था। कौरवों में कई लोग ऐसे थे और विशेष करके ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले न्यायी जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके लिए कर्ण कोई अहमियत नहीं रखता था। अरे उन्हें तो कर्ण की मैत्री जो थी दुर्योधन के साथ वो भी पसंद नहीं थी। दुर्योधन के लिए कर्ण में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन कर्ण इन सब बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। दुर्योधन के मुख से निकल गया क्योंकि अपने अंदर है महत्व, तो भगवान भीष्म के बाद तुरंत उसने स्थान कर्ण का दे दिया, लेकिन वो समझ गया कि मैं, गलती हो गई मुझसे, भूल हो गई है। द्रोणाचार्य जैसे धार्मिक व्यक्ति के पास, ज्ञानी व्यक्ति के पास कर्ण का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। आदमी बड़ा चालाक है दुर्योधन, अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या किया, तुरंत कृपाचार्य द्रोण के साले का नाम रख दिया। तो जो कर्ण बोलकर घाव पड़ा है उसके ऊपर मरहम लग जाए, और केवल कृपाचार्य का नाम रखा, इतना ही नहीं उनके पीछे जोड़ दिया समितिंजय। समितिंजय युद्ध में विजयी, कृपाचार्य कभी किसी युद्ध में हारे नहीं, संग्राम विजयी समितिंजय, ऐसे कृपाचार्य।
और लगा कि अभी भी मरहम पूरा नहीं हुआ है। ये जो कर्ण बोल करके घाव लगा दिया द्रोणाचार्य को, तो एक और नाम जोड़ा, वो भी द्रोणाचार्य को अत्यंत प्रिय, अश्वत्थामा, उनका पुत्र। और ये विशेषण केवल कृपाचार्य के लिए नहीं है, दीप देहली न्याय से देखो तो समितिंजय विशेषण अश्वत्थामा को भी लागू पड़ सकता है, संग्राम विजयी अश्वत्थामा। संस्कृत भाषा बड़ी प्यारी है, ये दीप देहली न्याय शब्द भी कितना सुंदर है। पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो दिए जलते थे, तेल के दिए थे, बाद में केरोसिन आया, लेकिन पहले तो तेल के दिए। ये वातावरण मैंने देखा है गांव में, इतनी एफ्लुएंस सी वे नहीं थी, लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। आजकल तो बड़े बड़े घरों में देखो, कमरे में कोई भी ना हो तो भी लाइट चलती है, पंखा चलता है, एसी चलते रहता है, टीवी चलते रहता है। व्हाट अ वेस्ट, क्योंकि है पिता कमाने वाला, ऐश करो। लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति हैं वो तुरंत समझदार हैं, वो कमरे में से निकलते वक्त स्विच ऑफ कर देना चाहिए। पहले के जमाने में तो लाइट ही नहीं थी, दिए थे कैसे, और वो भी तेल इतना नहीं जला पाते थे लोग। दो कमरों के बीच में एक दिया रहता था, विशेष करके देहली के ऊपर, उमरा ऊपर, और ऐसे लगा हुआ रहता था जो मूव हो सके। बाहर के कमरे में आप कोई काम कर रहे हैं तो वो दिए को यूं रखोगे तो बाहर के कमरे में उजाला देगा, वो प्रकाश देगा। याद आया कि भीतर के कमरे में से कुछ लाना है, दरवाजे में से जाते जाते ये दिए को यूं घुमा दोगे तो अब ये दिया अंदर के कमरे में उजाला देगा। कोठी में से कुछ निकालना था, निकाल लिया सामान, वापस बाहर के कमरे में आते समय दिए को ऐसा घुमा दो, अब वो बाहर के कमरे में उजाला देगा। एक ही दिया अंदर और बाहर दोनों कमरों में उजाला देता है। संस्कृत में इसका प्रयोग करके कहा दीप देहली न्याय। कभी कभी एक ही शब्द, एक ही विशेषण किस तरफ आप लेते हो अन्वय में, उस तरफ उजाला देता। यहां समितिंजय शब्द बीच में है, तो यदि आप कृपाचार्य के साथ जोड़ो तो समितिंजय कृपः, और अश्वत्थामा के साथ जोड़ना चाहो तो समितिंजय अश्वत्थामा महावीर। दुर्योधन का परम मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में आती है, आपने सुनी है। विकर्ण सोचने जैसा पात्र है, 100 कौरवों में से एक, दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण, लेकिन सोमदत्त का पुत्र जिसका नाम था भूरिश्रवा। ये भूरिश्रवा दुर्योधन के प्रपितामह, परदादा, बाह्लिक के पौत्र का पुत्र था, मतलब एक मैप आपके सामने रख दूं रिलेशंस का। शंतनु, उसकी कथा हमने सुनी, शंतनु के भाई थे बाह्लिक, लघु बंधु थे। शंतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, जिसकी तीन पत्नियां भीष्म ले आए थे काशीराज के स्वयंवर में से, तीनों कन्याओं का हरण करके ले आए थे, अंबा, अंबिका, अंबालिका, लेकिन विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई। प्रयत्न बहुत किया, गुजरात राज्य जिनके नाम पर विशेष करके गिरवाण गिरा, संस्कृत के अभ्यासु के नाम पर गौरव ले सके ऐसे आदरणीय गौतम भाई पटेल, रघुवंश दे रहे हैं। शंतनु और बाह्लिक भाई हैं, शंतनु का पुत्र विचित्रवीर्य, तीन पत्नियां अंबा,
अंबिका अंबालिका, संतान नहीं हुई और उसमें दोष विचित्र वीर्य का था। महाभारत में जो नाम भी रखे ना बड़े अर्थपूर्ण है, विचित्र वीर्य। संतान उत्पन्न नहीं कर सका, नियोग पद्धति का सहारा लिया गया। महाभारत पर डिटेल में कभी चिंतन करेंगे तो नियोग पद्धति क्या होती है बताएंगे, और वो सही था गलत था क्या था उसके पर चिंतन करेंगे। अभी केवल इतना कहता हूं कि नियोग पद्धति से, आज की भाषा में कहूं तो नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लेकिन अ प्लान्ड इंसेमिनेशन। तो नियोग पद्धति से अंबा का पुत्र पांडु, अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका के साथ जब नियोग करवाना था, अंबालिका स्वयं नहीं गई, अपनी एक दासी को भेजा, उससे जो पुत्र हुआ वो विदुर। ये तीन भाई शंतनु, विचित्र वीर्य और हमें अभी याद रखना है केवल धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन आदि सौ कौरव, ये चार पीढ़ी। बाहलिक, बाहलिक का पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो यूं देखो तो भूरिश्रवा और धृतराष्ट्र भाई हुए, और भूरिश्रवा भी अत्यंत वयोवृद्ध थे, बहुत धार्मिक थे। महाभारत में वर्णन है कि धृतराष्ट्र भूरिश्रवा के चरण स्पर्श करते थे जब दोनों मिलते तब। सौमदत्ति, दुर्योधन यहां पर गिना रहा है, वो भी हमारे पक्ष में। विकर्ण का वध भीम के हाथों हुआ, क्योंकि भीम ने संकल्प किया था 100 भाइयों को मैं मारूंगा। क्रिकेट की परिभाषा में कहें तो भीम सेंचुरी बैट्समैन है, 100 कौरवों को भीम ने मारा। और भूरिश्रवा का वध सात्यकी ने किया था, सात्यकी के बारे में हम कल चिंतन कर चुके हैं युविधान। तो ये 8वां श्लोक, 9वां श्लोक अभी ले, अगला श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः, इस श्लोक में दुर्योधन का अहंकार छप्पर फाड़ के दिखाई पड़ता है। अन्ये च बहवः, एक श्लोक में अपने सेनानियों का वर्णन कर दिया और कहा एटसेट्रा एटसेट्रा। अन्ये च बहवः शूरा, बहुत शूर हैं अन्य भी, लेकिन दुर्योधन जो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, मदर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जीवन का त्याग करके प्राण की परवाह न करते हुए जो आए हैं मेरे लिए आए हैं, ये दुर्योधन। दुर्योधन एक कुटिल पॉलिटिशियन था। यहां पर इसका दर्प, उसका अहंकार दिखाई पड़ता है। अपनी अन्यायी अधार्मिक अनीतिमान प्रवृत्तियों को न्यायी धार्मिक नीतिमान बनाने का हमेशा वो प्रयत्न करते रहता था, और कुछ अंश तक वो सफल भी हुआ था। मेजॉरिटी लोगों को उसने अपने पक्ष में कर लिया था, क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस उसने सबको प्रोवाइड की थी,
बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी, कपड़ा और मकान दुर्योधन के राज्य में सभी को मिलता था। आपने महाभारत का ग्रंथ पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सीरियल अवश्य देखी होगी, और भी तो तीन तीन चार चार वर्जन हो गए उसके। अब बताइए मुझे, दुर्योधन के राज्य में आपने कोई भी गरीब को देखा जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, भीख मांग रहा है? एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा तुम। मटेरियल नेसेसिटी, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दुर्योधन ने, पीपल वर ओवरऑल हैप्पी इन दुर्योधन किंगडम। इसीलिए तो दुर्योधन अपने पास मेजोरिटी इकट्ठी कर सका, 11 अक्षौहिणी सैन्य इकट्ठा कर सका। सबको लगता था दुर्योधन राजा रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, पांडवों को यदि अन्याय हो रहा है तो उनकी फैमिली मैटर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा एक जनविश्वास दुर्योधन ने निर्माण किया था। और भगवान कृष्ण को महाभारत का युद्ध करना पड़ा, वो इसी कारण से दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आते हैं। भगवान जब कहते हैं विषमे समुपस्थितम अर्जुन, दिस इज द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, जब लोगों को अधर्म भी अनुकूल हो गया हो, अब पीपल आर हैप्पी विथ इमोरालिटी। हस्तिनापुर की सभा में कौरव वंश, राज्यकर्ता वंश अपने ही पुत्र वधू को चीरहरण करे, एंड पीपल वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ये उनका निजी मामला है। लोग ये सोचना भूल गए थे कि अगर ये राजा के राज्य में दुर्योधन की आंखों के सामने यदि उनके परिवार की पुत्रवधु की आलस होती है तो फिर सामान्य परिवार की नारी की सुरक्षा कैसे होगी। इतनी दूर की सोचना लोग भूल गए थे। लोग अपने घर में आराम से, नहीं दुर्योधन हमें तो राजी रखता है ना। लोग जब इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, पूरे समाज की पूरे राष्ट्र के हित के चिंतन करने में अक्षम हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए यदि युद्ध करना पड़े तो वो क्षत्रियोचित कर्तव्य है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। धर्म युद्ध इसलिए कहा, क्या दुर्योधन है, कल जाकर के नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 2000 वर्ष के बाद समाज की क्या स्थिति होगी। पांडव मानते थे कि जीवन में शांति यदि चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए तो भगवान की आवश्यकता है, और दुर्योधन मानता था भगवान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो जब उसको खुला चॉइस मिला, साहित्य की दृष्टि से, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से आप देखो तो महाभारत में कुछ जो टेंस मोमेंट्स हैं, साहित्यकार लोग समझ, अब ड्रामा देखने जाओ, फिल्म देखने जाओ तो हर 10 15 20 मिनट के बाद ऐसे एक टेंस मोमेंट आनी चाहिए, तो आप यूं करके देखो अब क्या होगा। वो ग्रिपिंग मोमेंट्स जो हैं, तभी वो 3 घंटे तक आपको पकड़ के रखे ड्रामा या फिल्म। महाभारत में ऐसी जो टेंस मोमेंट्स हैं, ग्रिपिंग मोमेंट, उसमें एक मोमेंट ये है। प्रसंग आप जानते हो, युद्ध तो निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा, तो कौन किसके पक्ष में लड़ेगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे हैं द्वारिका, दोपहर का समय था, प्रभु विश्राम कर रहे थे। दोनों को अधिकार था, पहुंचे प्रभु के शयन कक्ष तक, और दुर्योधन जाके बैठा है प्रभु के मस्तक के पास। यही तो दुर्योधन, भगवान ना माथे चढ़ीन बैठे, दुर्योधन मस्तक के पास बैठा है, और अर्जुन जाकर के प्रभु के चरणों के पास बैठा। अर्जुन ने कहा मेरा स्थान तो यही होना चाहिए। वामकुक्षी के बाद जब श्री कृष्ण के नेत्र खुले, स्वाभाविक है पहले जो यहां बैठा उसी पर तो दृष्टि जाएगी।
पहली दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, बाद में दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। प्रभु ने पूछा क्यों आए हो, कारण बताया। भगवान श्री कृष्ण तो न्यायी है। प्रभु ने कहा कि मैंने तो संकल्प किया है मैं निशस्त्र रहूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक वेपन्स, तो मैं लड़ूंगा नहीं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना, और एक तरफ मैं। पसंद कर लो किसको क्या चाहिए, आप तो दोनों मेरे लिए बराबर हो। और पसंद करने का प्रथम अधिकार दुर्योधन को दिया गया, क्योंकि मेरी, भगवान इतने न्यायी हैं, कहते हैं मेरी प्रथम दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी तो मेरे लिए दुर्योधन यहां पर पहले आया है, तो पहला अधिकार इसका। अब तो ठीक है, आप कहानी जानते हैं, आप सब विद्वान हैं, इसलिए आपको वो टेंस मोमेंट नहीं आएगी। लेकिन जो पहली बार महाभारत, कितने वो होगा, क्या यदि दुर्योधन कृष्ण को मांग लेता क्या होता, हम यहां ना होते, सही है ना। पहला अधिकार दुर्योधन को दिया गया, दुर्योधन तुम मांगो। दुर्योधन ने सोचा यदि श्री कृष्ण हाथ में शस्त्र धारण नहीं करने वाले हैं, लड़ने वाले नहीं हैं, और मैं तो आया हूं युद्ध में सहयोग के लिए, तो फिर कृष्ण किस काम के यदि कृष्ण लड़ने वाले न हो। तो उनसे तो अच्छी है नारायणी सेना मिल जाए, एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है। दुर्योधन की आर्मी के 10% कृष्ण की आर्मी थी, 11 अक्षौहिणी में 10 अक्षौहिणी यदि उसकी है, एक अक्षौहिणी भगवान की है, वो न होती तो 10 अक्षौहिणी रहती उनके पास। 10% वृद्धि हो रही है मेरी आर्मी में, और बहुत बड़ी बात होती है वो, इतना बड़ा। आजकल हम इलेक्शन में देखते हैं 3% और 4% का वोट स्विंग हो जाए तो पूरी हिस्ट्री बदल जाती है, ये तो 10% एक साथ में आती। दुर्योधन ने सोचा सैन्य ले लो, कृष्ण का क्या काम है, और मैं जीत जाऊंगा महाभारत का युद्ध, फिर विजयोत्सव जब मनाऊंगा वहां डांडिया खेलने के लिए कृष्ण को बुलाएंगे, अभी क्या काम है। और जैसे ही दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं आपकी एक अक्षौहिणी सेना चाहता हूं, अर्जुन का श्वास, थैंक यू, मुझे तो कृष्ण चाहिए। और हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक अक्षौहिणी सेना न काम में आई, अकेले श्री कृष्ण प्रभावी सिद्ध हुए। दुर्योधन की विचारधारा, कहने का आशय यह है, दुर्योधन की विचारधारा यह है कि कृष्ण के सिवा भी जीवन चल सकता है, भगवान की आवश्यकता नहीं है। और पांडव विचारधारा यह है, जीवन में और कुछ नहीं होगा तो चलेगा, भगवान तो चाहिए, जंगल में रहना पड़ेगा चलेगा, लेकिन कृष्ण चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म क्षेत्र का युद्ध माना गया, धर्म युद्ध माना गया, क्यों? क्योंकि उसमें बस यही प्रश्न था, जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है या नहीं। दुर्योधन, इसने सत्ता संपत्ति प्रलोभन से लोगों को आकर्षित कर रखा था। उस समय में दुर्योधन गलत है, उसकी राज्य पद्धति गलत है, ये लोगों को समझाना, लॉजिकली लोगों को उसके उनके गले उतारना, मनवाना उनके पास मुश्किल हो गया था। ये पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लिमिटेशंस ऑफ दुर्योधन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि युद्ध आवश्यक है। एक बात और कह दूं, उस समय में दुर्योधन के पक्ष में जाना फैशनेबल माना जाता था, और पांडवों के पक्ष में रहने की बात करना ऑर्थोडॉक्सी मानी जाती थी। जरा आज का युग सोचना, यदि आप धर्म की बात करो, यदि आप परमात्मा की आवश्यकता की बात करो, तो आप ऑर्थोडॉक्स में गिने जाते हो,
और यदि आप कहो कि अरे एट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, तो लोग कहते वाओ मॉडर्न है, दुर्योधन वाला है। और यदि आप संयम की बात करो कि भी मर्यादा में जीवन जियो, रात के कम से कम 8 बजे 9 बजे घर में आ जाओ, उसके बाद घूमते नहीं हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप, टाइम्स हैव चेंज्ड। दुर्योधन के पक्ष में जाना फैशनेबल माना जाता था, पांडवों के पक्ष में रहना ऑर्थोडॉक्स माना जाता था, ऐसा वो समय था। दुर्योधन में श्री कृष्ण का खुला विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए दुर्योधन क्या करता था, जैसा हमने देखा ना पांडव सैन्य का वर्णन करते समय, वो कृष्ण को कन्वीनियंटली इग्नोर करते जाता था। विरोध नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि विरोध कर पाए, लेकिन वो इग्नोर करते जाता, उपेक्षा करता उनकी, ऐसा दुर्योधन। यहां पर इसका अभिमान प्रकट हो गया, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण की परवाह न करके करने के लिए, मदर्थे मुझे सहयोग करने के लिए, मदर्थे मेरे हेतु को सिद्ध करने के लिए, मदर्थे पांडवों को निर्मूल करने के लिए, ये सारे शेड्स हैं मदर्थे के। मत अर्थे, तो दुर्योधन का अर्थ क्या है, यही तो दुर्योधन का हेतु है जीवन का। ये सब लोग आए हैं, कैसे हैं, नाना शस्त्र प्रहरणाः, संस्कृत में नाना विविध, अलग अलग प्रकार के। अब ये दोनों शब्दों को भी समझें, शस्त्र और प्रहरण। जो हाथ में लेकर लड़ा जाए उसको शस्त्र कहते हैं, तलवार, गदा, त्रिशूल, इनको शस्त्र कहते हैं, जो आपको हमेशा हाथ में रखना है और लड़ना। और प्रहरण क्या है, जिससे प्रहार किया जाता है, हाथ में लेकर जिसको फेंका जाता है, गोला, बाण, तीर, शक्ति का प्रहार करते थे, तोमर का प्रहार करते थे, तो ये प्रहर। दोनों को जानने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणा बहुवचन है, ऐसे सर्वे युद्ध विशारदा, सभी लोग युद्ध में विशारद हैं। युद्ध का विशारद कौन, युद्ध कब करना है, युद्ध कहां करना है, युद्ध कैसी युक्ति से करना है, युद्ध में सेना को कैसे अरेंज करना है, पैटर्न जिसको कहते हैं, वो फॉर्मेट कैसे करना है, ये सब जो जानता हो वो युद्ध विशारद है। ऐसे दुर्योधन कहता है मेरे अनेक हैं, मेरे पास एक नहीं अनेक है। अच्छा, ये इतना जो वर्णन कर रहे हैं ना, दूसरे श्लोक से लेकर के 9वां श्लोक तो आ गया, द्रोणाचार्य केवल देख रहे होंगे उनको, अभी तक द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, दुर्योधन बोले जा रहे हैं उनके पास, ये पांडवों की सेना ऐसी है, द्रोणाचार्य देखते होंगे, हम कौरवों की मेरी सेना ऐसी है, मेरे लिए सब प्राण त्याग करने के लिए उत्सुक है, नो रिस्पॉन्स। कोई व्यक्ति बड़ा उत्तेजित हो, बड़ा महत्वाकांक्षी हो, बड़ी योजनाएं लेकर आया हो, और वो जिसको योजना सुना रहा है वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स ही न दे, तो फिर इसकी हिम्मत टूटने लगती है। दुर्योधन की टूटी हुई हिम्मत 10वें श्लोक में दिखाई पड़ती है। बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्ष
रक्षितम्। इसमें जरा शब्दों पर ध्यान देना। ये श्लोक में अपर्याप्तम तत् अस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तम अस्माकम् बलम अपर्याप्तम्, हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है और भीष्माभिरक्षितम् है। ये श्लोक में पहले अर्ध और दूसरा अर्ध, प्रथम अर्ध श्लोक दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है और द्वितीय अर्ध जो है वो पांडव सेना का वर्णन कर रहा है। उसमें शब्द तो बड़े नजदीक नजदीक के हैं, दो युग्म है शब्दों के, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। अपर्याप्तम और पर्याप्तम, भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है हमारा सैन्य अपर्याप्त है। भाष्यकारों ने इस श्लोक के कई अर्थ किए हैं, उसमें से दो अर्थ प्रधान है जिसकी हम चर्चा करेंगे, एक पॉजिटिव मीनिंग और दूसरा नेगेटिव मीनिंग। एक दुर्योधन का आत्मविश्वास बताता है और दूसरे में उस आत्मविश्वास में भी छिपे हुए डर का दर्शन होते हैं। पहले जो आत्मविश्वास उसका है, ओवर कॉन्फिडेंस है उसका। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अस्माकम भीष्माभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम, हमारा जो भीष्म के द्वारा रक्षित सैन्य है अपर्याप्त है, अपरिमित है, असंख्य है। 11 अक्षरणी, 7 अक्षरणी के सीने सामने 11 अक्षरणी अपर्याप्त होता है, बहुत बड़ा है, मोर देन 150% सैन्य हो गया तो अपर्याप्त। फिर से ये भीष्माभिरक्षितम है, तो नंबर्स में तो हम अधिक हैं लेकिन भीष्म के द्वारा उसकी रक्षा है। भीष्म केवल शस्त्र ही नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानते हैं, विचक्षण बुद्धि प्रतिभा है भीष्म की। व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि से निर्णय ले, ठीक है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है। वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, उसमें कोई संशय नहीं, अच्छी बात है, साथ में शास्त्र का भी आधार ले, शास्त्र जिसमें कई बुद्धिमान ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान के हजारों वर्षों का अनुभव रिकॉर्ड हुआ है, एक विराट डेटाबेस है शास्त्र, उसका यदि आधार लिया जाए तो निश्चित रूप से निर्णय अच्छे होते हैं। भीष्म स्वयं प्रज्ञा तो है उनकी, लेकिन साथ में शास्त्र के भी जानकार हैं और उनके द्वारा अभिरक्षित वो हमारे सेनापति हैं भीष्म। फिर मुझे क्या हो सकता है, हमारा बल अपर्याप्त है, अपरिमित है। जबकि पांडवों की सेना पर्याप्त है, पर्याप्तम त्विदम एतेषाम इदम एतेषाम भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, भीम के द्वारा अभिरक्षित। दुर्योधन यहां मानो सूचन करना चाहता है कि भीम बलवान तो है लेकिन शास्त्र ज्ञान में उसकी तुलना भीष्माचार्य के साथ नहीं की जा सकती, इसलिए उनका बल पर्याप्त है, नंबर्स में भी कम है, वो 7 अक्षरणी है। दूसरी एक बात यहां शब्द का एक काशिकानंद जी महाराज का ये विचार है, भीष्म में भीम समाहित है, भीष्म में से वो अर्धमूर्धन्य शकार निकाल दो तो भीम बचता है, तो भीष्म में भीम समाहित है, भीम छोटा है भीष्म बड़े हैं, इसलिए भीष्माभिरक्षितम अस्माकम बलम अपर्याप्तम,
भीम छोटा है तो भीमा भी रक्षितम एतेषां बलम पर्याप्तम। दूसरी एक बात यहां सोचें, यदि दुर्योधन अपने सैन्य को भीष्मा भी रक्षितम कहता है, योग्य है क्योंकि भीष्म सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, तो यहां दुष्टद्युम्ना भी रक्षितम कहना चाहिए ना पांडव सैन्य को। दृष्टद्युम्ना भी रक्षितम न कहते हुए भीमा भी रक्षितम कहा, क्यों? यहां पर दुर्योधन की मनोवृत्ति, उसका जो फियर है वो प्रकट होता है। दुर्योधन को सपने में भी भीम आता था मारने के लिए, वो किसी दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मानता ही नहीं। दुर्योधन को पता था द्यूत सभा के समय एक भीम खड़ा होकर के आक्रमण करने के लिए आया था, युधिष्ठिर ने बिठा दिया उसको, लेकिन उस समय भीम ने कहा था दुर्योधन तेरी जांग को चीर के रक्त प्राशन करूंगा। दुर्योधन को बलिभांति याद है भीम की प्रतिज्ञा, 100 कौरवों का मैं विनाश करूंगा, ये भीम की प्रतिज्ञा। तो स्वाभाविक है वो हमेशा डर रहा हो भीम से। दुर्योधन को यह भी याद है क्योंकि बचपन से दुर्योधन को भीम ही अपना शत्रु लगता था। बचपन में पिकनिक पर गए थे कौरव पांडव, उस समय दुर्योधन ने यह कुटिल योजना की थी कि लड्डू में विष मिला करके भीम को खिला दिया था और फिर कहा चलो स्विमिंग करने नदी में। अब विष का असर तो हुआ लेकिन भीम पाताल लोक में गया और वहां से शक्ति संपादन करके लौटा। दुर्योधन को याद है मैंने इसको विष दिया था मारने के लिए, मरा नहीं और शक्तिमान होकर के आया। हमेशा ये भीम उसको दिखाई पड़ता। नेगेटिव अर्थ यदि लें तो भीम जो दुर्योधन का भय प्रकट होता है, कौरव सैन्य अपर्याप्त है, उसका अर्थ नॉट इनफ, अपर्याप्त। नंबर्स ज्यादा हैं लेकिन इनफ नहीं है। क्यों? दुर्योधन इतना तो समझदार था कि वो जानता था मेरे पास नंबर ज्यादा है लेकिन वो इकट्ठी हुई भीड़ है, किसी को लालच दी है, प्रलोभन दिया है, कोई केवल रिश्ते से आया हुआ है, ऐसे इकट्ठे हुए लोग हैं। जबकि पांडव सैन्य भले छोटा है लेकिन पर्याप्त है, इनफ है। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग इकट्ठे हुए वो एक निष्ठा से इकट्ठे हुए हैं, एक सिद्धांत की वजह से इकट्ठे हुए हैं, उनकी शक्ति ज्यादा है। भीष्मा भी ने रक्षितम और भीमा भी रक्षितम का भी अर्थ है अपर्याप्त। क्यों है हमारा सैन्य? क्योंकि भीष्मा भी रक्षितम है। भीष्म को पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और ऐसा व्यक्ति, उभय पक्षपाती व्यक्ति हमारा सेना का अधिपति बना हुआ है। जबकि भीमा भी रक्षितम कहा, भीम तो फोकस्ड है, उसको तो पता है कि मुझे ये गिन गिन के 100 को मारना है। देयर आर नो इफ्स एंड बट्स फॉर भीम, बिल्कुल स्थित है वो अपने निश्चय में। और ऐसा व्यक्ति जब हो ना तो वो कार्य को सिद्ध कर सकता है। करूं न करूं, मारूं न मारूं, अरे बेचारे अच्छे हैं फिर तो क्या, ऐसे डिलेमा में जब व्यक्ति होता है, द्वंद्व में होता है, तो अपनी शक्ति का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। भीम में ऐसा कोई द्वंद्व था ही नहीं, तो इसलिए उसका जो सैन्य है वो पर्याप्त है। महाभारत में अन्यत्र कौरव सैन्य को भीष्म नेत्र कहा है और पांडव सैन्य को भीम नेत्र कहा है। दुर्योधन का सैन्य व्यक्तिनिष्ठ है,
एक व्यक्ति के लिए लोग आए हैं, जबकि पांडवों का सैन्य सिद्धांत निष्ठ है, तत्व निष्ठ है। दे आर कमिटेड टू अ कॉज, दे आर कमिटेड टू अ कॉन्सेप्ट, अ थॉट। और हमेशा आप देखना, जब भी कोई समूह किसी व्यक्ति के आसपास हो, वो समूह अधिक नहीं टिक सकता। वो व्यक्ति चली गई, समूह बिखर जाता है। लेकिन किसी सिद्धांत के आसपास वो टिकता है। दुर्योधन को यह पता था, इसलिए उसने कहा कि अपरिमित होते हुए भी पर्याप्त नहीं है और पांडवों की संख्या परिमित होते हुए भी पर्याप्त है। दो देयर, इंग्लिश में यदि मैं कहूं तो कौरव सैन्य अनलिमिटेड है, बट इट इज नॉट इनफ। वाइल पांडव आर्मी इज, दो इट इज लिमिटेड इन नंबर्स, बट इट इज इनफ। और अल्टीमेटली तो वही आवश्यक है, जो काम के लिए बैठे वो काम कर पाओगे, पर्याप्त है। अगला श्लोक, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सूचना दी है द्रोणाचार्य को, इतना करना, क्योंकि अभी तक द्रोणाचार्य सुन नहीं रहे उसकी बात को, सुन रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। दुर्योधन कहता है इतना करना, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, जहां जहां भी आप हो, जिस स्थान पर आप रुके हो, जो भी पोजीशन आपको दी गई है, वहां से भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप सब लोग, भवन्तः सर्व एव, आप सभी लोग एक ही काम करना, भीष्म की रक्षा करना। कारण, भीष्म इच्छा मृत्यु वरदान था उनके पास, जब तक वो स्वयं तय न करे कोई उन्हें मार नहीं सकता था, ये पहला कारण। दूसरा, भीष्म ने दुर्योधन को वचन दिया था, महाभारत आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, भीष्म ने दुर्योधन को वचन, क्योंकि दुर्योधन जानता था ना ये भीष्म के सॉफ्ट टर्न के बारे में, उसने जाकर के फूंक फूंक के परेशान किया। भीष्म ने लिटरली वचन दे दिया है उसको, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर दुर्योधन, मैं प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को कम से कम मारूंगा, मिनिमम 10,000 वॉरियर्स। और युद्ध के पहले दूसरे दिन तो दुर्योधन को प्रमाण नहीं था, तो महाभारत के कुछ जो वर्जन्स हैं उसमें ऐसा आया है कि भीष्म के बाण के ऊपर एक निश्चित चिन्ह रहता था, रणभूमि पर जाकर के भीष्म ने वो बाण निकाल निकाल के बताया, ये देख मेरे बाण से इसकी मृत्यु हुई, ये मेरे बाण से मृत्यु हुई, गिन ले 10,000। दुर्योधन को पता था कि यदि भीष्माचार्य रोज के 10,000 लोगों को मारें और वे स्वयं तो मरने वाले हैं नहीं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि पांडव सैन्य पूरा हो जाएगा। यदि भीष्म की रक्षा हो गई, माय विक्ट्री इज फॉर श्योर। अब इतना ही करना, भीष्म की रक्षा करना, कमांडर इन चीफ को संभालना बस। इसमें दुर्योधन की जो मैनिपुलेशन है उसका क्या हो सकता है, दुर्योधन जानता था, और वही हुआ। भीष्म किसी महाबली से, किसी महारथी से तो नहीं मरेंगे, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति आकर के भीष्म को मार न जाए, उससे रक्षा करना। पंचतंत्र में एक बड़ी प्यारी कहानी है, दादी माँ सुनाती थी मुझे,
शेर था जंगल में, एक जंगल का राजा, और प्रभाव उसका बहुत था। जंगल में एक लोमड़ी थी। लोमड़ी ने सोचा कि ये शेर को यदि मार डाला जाए तो मैं राजा बन सकता हूं, लेकिन शेर को मारे कैसे? लोमड़ी की ताकत क्या है? फिजिकल पावर तो उसके पास है नहीं कि शेर को मार सके, लेकिन लोमड़ी में कुटिलता है। उसने एक काम किया, शेर के पास जाकर के सलाम करते हुए जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करके धीरे 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 एक रापो खड़ा किया। फिर एक दिन पहुंच गए उसके पास और कहा कि आज एक बहुत बुरी खबर लाया हूं। क्या? कोई एक दूसरा शेर आया है इस जंगल में। अच्छा, और वो कहता है कि इस जंगल का राजा मैं हूं। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, राजा तो मैं हूं। लोमड़ी ने कहा, मैंने भी उसको यही कहा, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो कहता है मैं ही हूं। राजा, जरा चिंता का विषय यह है कि जंगल के कुछ प्राणी भी अब उसे अपना राजा मानने लगे हैं। अच्छा, इसको पूरा कर देना चाहिए। लोमड़ी कहती है, हाँ आप जैसे बलवान हो और वो कैसा कोई कह सके कि मैं राजा हूं, पूरा कर देना उसको चाहिए। बताओ मुझे कहाँ है वो। चलिए बताता हूं। लोमड़ी ले गई शेर को एक कुएं के पास। कहाँ है वो? इसके अंदर रहता है। अच्छा, शेर ने देखा कुएं में प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। लोमड़ी ने कहा, देखो मैं कहता था ना आपके जैसा ही दिखता है वो। शेर जब दहाड़ा तो कुएं में से प्रतिध्वनि आया, एको। लोमड़ी कहती, देखो देखो आपके जैसा ही, कॉपी टू कैट, कॉपी कट, बिल्कुल आपकी कॉपी कर रहा है, देखो देखो। उकसाया उसको, उसको मारने के लिए शेर कुएं में गिरा गया। ऐसे तो लोमड़ी की कोई ताकत नहीं थी कि शेर को मार सके, लेकिन शेर को यदि सच्ची सलाह देने वाला न मिले, उसकी रक्षा करने वाला न मिले, तो एक लोमड़ी भी शेर को मार जाती। अरक्ष्यमाणम हि वृको हन्यात् सिंहम महाबलम, मा सिंहम जम्बुके नेव घातये था शिखंडिना। महाभारत का श्लोक है, दुर्योधन बोल। ये चिंता है दुर्योधन की, कोई बलवान योद्धा भीष्म को नहीं मार पाएगा, लेकिन जैसे एक लोमड़ी जंबुक शेर को मार गया था, ऐसे एक जंबुक पांडव सेना में है जो मेरी सेना का ये शेर भीष्म को मार सके, और वो जंबुक कौन है? शिखंडी, वो मार सकता है, उससे रक्षा करना। युद्ध के पहले दिन दुर्योधन ने जो भय प्रकट किया, दसवें दिन वही घटना हुई ना, भीष्म गिरे शिखंडी की वजह से। तो पहले से दुर्योधन कह देता है, आप सब लोग भीष्म की रक्षा करना। अगले श्लोक पर जाने से पहले एक बात और इसमें देख लें आप, थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके बता रहा हूं। दुर्योधन झूठा है, दुर्योधन अधार्मिक अनीतिमान अन्यायी है, तो उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो करता क्या है? देखो, क्योंकि हमें तो भगवत गीता का अभ्यास इसलिए करना है कि हमें क्या सीखना है आधुनिक युग में, हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं इसमें से। दुर्योधन जो गलत व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपने सैन्य का, अपना जो व्यक्ति है, उसके इमोशंस को बहकाता है। क्योंकि दुर्योधन जानता है कि द्रोणाचार्य को पक्का पता है पांडव सही हैं। अब ये द्रोणाचार्य की भावना को, उनके इमोशंस को कैसे बिगाड़ा जाए, तो दुर्योधन उकसाता है। और गुजराती में बहुत सारा शब्द है, कान बम्बेरणी,
आज के युग में भी दुर्योधन लोग यही करते हैं। और दुर्योधन केवल पुरुष ही हो यह आवश्यक नहीं है, वो तत्व सभी में होता है। वो क्या करते हैं, जब उनके मन में कोई संशय या कुछ आ जाए तो वे जो निष्पक्ष लोग हैं या तो सामने वाले के प्रति जिनके मन में आदर है, प्रेम है, वात्सल्य है, ऐसे लोगों को कुछ 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 फोन पे बात करते हुए अलग अलग, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, ऐसा कर करके सामने वाले के कान को कुतर लेते हैं। ये दुर्योधन वृत्ति, उसको उकसाने की कोशिश करते। जबकि दूसरे पक्ष में अर्जुन ने क्या किया, देखिए आप, बात आगे आएगी। यही स्थिति अर्जुन की भी तो है ना, लेकिन जैसे अर्जुन की बात हुई प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में हम देखेंगे, अर्जुन सामने आकर बात करता है, हिम्मत से बात करता है। भगवत गीता हमें यह संदेश देती है प्यारे भाई और बहनों, ये तुलना कर लेना अर्जुन और दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन की बातों में फिसल मत जाना। आका घना लोगों के पास कान रसिया ने मजा आवे आऊ बधु आंबड़वानी, इसलिए तो दुर्योधन पॉपुलर है। 11 अक्षरणी वो इसलिए इकट्ठा कर सका, और ये तो द्वापर युग की बात है इसलिए 11 अक्षरणी। कलयुग का दुर्योधन होगा तो शायद और ज्यादा इकट्ठा करेगा। अर्जुन बनना, चारों ओर जहां भी आप खड़े हो वहां से भीष्म की रक्षा करना, ऐसी सूचना दी। द्रोणाचार्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दुर्योधन का उत्साह भंग हो गया। मैं जब ग्रंथ पढ़ता हूं, कभी चिंतन करता हूं, तो विजुअलाइज करता हूं। मुझे कई लोग पूछते हैं, इतना सारा याद कैसे रहता है आपको? मेरी याद रखने की मेरी जो पद्धति है वो ये है, ये पूरी फिल्म बनी हुई है मेरे पास। जब रामायण की कथा कहूं तो पूरी रामायण की विजुअलाइज करता हूं। और इसलिए शायद आप भी एकाग्रता से सुनते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये दृश्य आपके सामने हो रहा है। भागवत की कथा जब मैं करता हूं तो पूरे भागवत को मैं विजुअलाइज, मैं दर्शन करते जाता हूं, और मैं जो स्वयं दर्शन करता हूं उसका वर्णन आपके सामने करता हूं। भगवत गीता की जब बात करूं तो ये विजुअलाइज, महाभारत की जब ये चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है, कभी कभी मैं देखता हूं, ये कुरुक्षेत्र कारण मैदान, चारों ओर फैले हुए दोनों पक्ष की सेना, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है सब, उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन द्रोणाचार्य भी विद्वान थे, आचार्य थे, इसके गुरु थे, तो उनको भी तो पता चलता होगा ना ये क्या कर रहा है। कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं आजकल का कि दुर्योधन जैसे लोग कुतर कुतर करे और मान जाए। हाँ अच्छा, हाँ, ये द्रोण नहीं है कैसा करते, तुम्हारे जीवा थोड़ा आता द्रोण ऐसे थोड़ी मानेंगे उसकी बात को। तो जब कोई प्रतिभाव नहीं आया द्रोणाचार्य की ओर से, दुर्योधन का उत्साह भंग हो गया। और यह बात कुछ ही अंतर पर पितामह भीष्म होंगे, उन्होंने देखी, क्योंकि उनकी तो दृष्टि थी, उनके लिए तो दुर्योधन बालक जैसा है, उनका पौत्र है, उनकी गोद दुर्योधन। युद्ध करना है और युद्ध के पहले दिन आरंभ के क्षणों में यदि ये युवराज जिसने ये सब पूरा निर्माण किया वो ही ठंडा हो जाए कैसे चलेगा। तो बात हो रही थी दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में, लेकिन पितामह भीष्म ने जब ये देखा तो थोड़ा सा वेद व्यास हमें फोकस हटा करके ले जाते हैं वेद व्यास के ऊपर। 12वां श्लोक,
भीष्माचार्य के ऊपर। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, गुरुवृद्धः पितामहः, गुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्, शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य कस्य? दुर्योधनस्य। तस्य उसके हर्षम संजनयन, उसके हर्ष को बढ़ावा देने के लिए, उसके हर्ष को निर्माण करने के लिए, जनयन और संजनयन, सम्यक रूपेण जनयन संजनयन, न तो केवलम जनयन, केवल हर्ष बढ़ाने के लिए नहीं, अच्छी तरह से उसका हर्ष निर्माण हो, इसलिए गुरुवृद्ध पितामह। ये दोनों शब्द क्यों कहे? गुरुवृद्ध भी और पितामह दादा, वो वृद्ध ही होंगे, या तो गुरुवृद्ध कह दो या तो पितामह कह दो। गुरुओं में वृद्ध कह देते पूरी हो जाती बात, या तो पितामह कह देते। दोनों कहा गुरुवृद्ध पितामह। जिनको फैक्ट्स एंड फिगर्स में इंटरेस्ट हो उनके लिए कहूं, महाभारत के युद्ध के समय भीष्म की उम्र मिनिमम 120 इयर्स है और मैक्सिमम 186 वर्ष है, 186 इयर्स। अलग अलग प्रमाण हैं और ये युधिष्ठिर, दुर्योधन, इन सब की उम्र 70-80 के आजू बाजू में, वो 70s मच। 68 का तो अर्जुन है, 65-68 का। 180 वर्ष की उम्र के भीष्म 75 वर्ष की उम्र के दुर्योधन का उत्साह बढ़ा रहे हैं, हर्ष बढ़ा रहे हैं। तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्ध, वृद्ध का कर्तव्य ही यही है। संस्कृत में वृद्ध शब्द का अर्थ है वृद्ध, इसका अर्थ है जो बढ़ गया है। वृद्ध एटले खखड़ी गेलो नहीं, वृद्ध एटले वधी गएलो, वृद्ध है जो बढ़ गया है। वृद्ध समृद्ध होना चाहिए, वृद्ध बुद्ध होना चाहिए, वृद्ध शुद्ध होना चाहिए। आजकल समाज में वृद्ध क्रुद्ध दिखते हैं और अवरुद्ध दिखते हैं, या तो क्रुद्ध है। घर घर में देखो वडील जो है ना, बुजुर्ग सब लोग, वो चिड़चिड़े क्रुद्ध, उनके चेहरे ही ऐसे, छोकरों के ग्रमाल, ये वृद्ध क्रुद्ध है। भोजन करने बैठेगा तब भी वृद्ध, ये नमक कम पड़ा, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, ये चबाया नहीं जाता, तो रेवा दो ना दादा, नो चबाई तो रेवा दो। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी जरा इंपेशेंट हो जाता है, वो बात छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर बैठता है। वृद्ध क्रुद्ध न होना चाहिए, या तो वृद्ध अवरुद्ध न होना, वृद्ध अपनी मर्यादा, अबे तो अबे हूं, अबे पीणू पान हमारा दिनो थाए, अवरुद्ध हो गया, वृद्ध अपनी मर्यादाएं उसने बांध दी। वृद्ध समृद्ध हो, ज्ञान समृद्ध, केवल उम्र में वर्ष बढ़े ऐसा नहीं। मुझे कहना है विशेष रूप से डॉक्टर राजीव मोदी के साथ जो मेरे संवाद होते हैं, विशेष करके आदरणीय इंद्रवदन भाई के बारे में, 82 एकला
87 87 वर्ष की आयु। लेकिन उस समय भी यदि आप देखो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, स्नान उनकी जो एक्सरसाइज का रूटीन था वो करके ध्यान में बैठते थे। चार बार तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की उन्होंने, पांच बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा। इसलिए पुण्य स्मरण कर रहा हूं, ये कल ही एक वर्ष पूरा हुआ, तीसरा वर्ष आरंभ हुआ, उसका पहला दिन है। पूरे केडिला परिवार को प्रेरणा देते थे 87 की उम्र में। 82-85 तक तो हॉर्स राइडिंग करते थे, 85 की उम्र में हॉर्स राइडिंग। शरीर यह काम तभी कर सकता है जब मन वो संकल्प करता हो, ये तो नहीं कर सकता। ये स्फूर्ति, चेतना, उत्साह, तो आदरणीय इंद्रवदन भाई समृद्ध वृद्ध थे, हैं समृद्ध वृद्ध। इस उम्र में भी सब कुछ याद, स्टाफ के लोगों को नाम देकर बुलाना। 87 वर्ष की आयु, वृद्ध होना यह गौरव की बात है, वृद्ध होना यह दयनीय स्थिति नहीं है। बिचारा, क्यों भाई, क्यों? वृद्ध समृद्ध होना चाहिए। भीष्म ऐसे हैं, इसलिए तो ये मुझे शब्द जब उनके बारे में लिखा जाता है कि अजो पुस्तक में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ना स्थापक अने भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग ना भीष्म पितामह एवा हमारा सौना मार्गदर्शक श्री इंद्रवदन मोदी। भीष्म के साथ मुझे स्मरण हुआ, गुरु वृद्ध पितामह उत्साह बढ़ाते हैं। यूं देखा जाए तो भीष्म से भी वृद्ध यहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में हैं। मैंने जिनका नाम लिया बाहलिक, अभी जो पूरी फैमिली लीनिएज बताई, वो बाहलिक थे, जो भीष्म के पिता शंतनु के छोटे भाई थे। स्वाभाविक रूप में भीष्म से बड़े होंगे वो, लेकिन भीष्म केवल वयोवृद्ध नहीं थे, ज्ञान वृद्ध भी थे, इसलिए कुरुवृद्ध कहा उनको। और पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चैहि सिंहनादम विनद्य। जैसे कल हमने एक चर्चा की थी, वाक्यम अब्रवीत, याद है? अब्रवीत के अंदर वाक्य आ गया तो फिर वाक्यम क्यों कहा था, अर्थ हमने कल देखा था। आज ऐसा है, ये सिंहनादम विनद्य, सिंहनाद कहो तो उसमें विनद्य आ गया। सिंहनाद कोई खरगोश का नाद तो है नहीं, सिंहनाद तो बड़ा ही होगा, फिर विनद्य बड़े जोर से सिंहनाद किया। सिंहनाद ही बड़े जोर से होता है, जो बड़े जोर से हो उसे को सिंहनाद कहते हैं। वापस विनद्य, क्योंकि यहां पर भी हेतु दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाना था। बड़े बुजुर्गों का यही काम होता है, युवा पीढ़ी के उत्साह को बढ़ाए।
तब बड़े बुजुर्गों का आदर बढ़ता है। युवा पीढ़ी है, छोटे हैं, सुख में बहक जाएंगे, दुख में टूट जाएंगे, सर पे हाथ रख के बैठेंगे कभी कभी, क्या करें। ऐसी युवा पीढ़ी को जो बड़े बुजुर्ग घर में हो ना, सफेद बाल, जाकर कहेंगे कंधे पे हाथ रख के, चिंता मत कर मैं हूं। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में, हमने कई धूप छांव देखी है, चिंता मत कर। और अपने बड़े बुजुर्गों के पास से केवल एक बार ये सुन लें, चिंता मत कर मैं बैठा हूं, तो युवान को उत्साह आ जाता है। मेरे पिता का हाथ मेरे कंधे पर है, मेरे पिता का हाथ मेरे सर पर है, जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, ये वृद्धों का कर्तव्य है। वृद्ध स्वयं पॉजिटिविटी को छोड़े नहीं, और आसपास के लोग यदि दिखाई पड़े कि ये पॉजिटिविटी हिम्मत को छोड़ रहे हैं, तो वृद्ध उनकी पॉजिटिविटी को रीइन्फोर्स करें। ये वृद्धों का वृद्ध छत्र के समान है। छाता क्या करता है, धूप स्वयं ले लेता है, बारिश स्वयं ले लेता है, लेकिन छाते के नीचे जो है उसको विश्राम देता है। वृद्ध पूरे समाज के छत्र के समान है। कष्ट आएंगे तो थोड़ा अपने ऊपर, क्योंकि उनको लगेगा नहीं वो, लेकिन जो उनके आश्रित हैं उनको हिम्मत दे, ये वृद्धों का काम। युवा पीढ़ी के मनोबल को तोड़ने के लिए वृद्ध नहीं। कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है, युवा पीढ़ी कुछ करना चाहे तो बड़े बुजुर्ग कहें रेवा दे आउ नो कराए, उसको बेचारे को खींच खींच के ले लें, चादर एटली ज सोड करवी, अमे तो हमारी जिंदगी आम काढ़ी। आने जवा दो आगळ, तुम्हारी जिंदगी जानी करशो तो फिर इसकी जरूरत क्या है। वृद्ध उसे कहते हैं जो प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, अब यहां से उड़ान भरो, तुम हमसे भी आगे जाओ, ये हिम्मत दे सके वो वृद्ध है। भीष्म ऐसे वृद्ध,